रूस और यूक्रेन के बीच पिछले एक साल से भी ज्यादा से चल रही जंग के बीच रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटोरोव 2 दिवसीय भारत यात्रा पर है और भारत रूस बैठक के लिए नई दिल्ली पहुंचे रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग व्यापार मंत्री डेनिस मोंटोरोव ने आज भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारतीय व्यापार के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच अंतर सरकारी आयोग की बैठक भी हुई है। रूस के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच अंतर सरकारी आयोग यानी IGC कई विभागों और संगठनों की भागीदारी के साथ सामयिक मुद्दों पर व्यापक चर्चा का एक अनोखा तरीका है। इसके तहत न केवल व्यापार और आर्थिक संबंधों के बारे में बात की जाएगी बल्कि शिक्षा और संस्कृति जैसे मानवीय विकास से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत होगी। Of input from India, it's not enough to use a ruble. So we need to boost imports from India. Import. Then, in this case, we will have a balance. Like for example, we have with China, we have $200 billion. वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। See, there are big changes which are going on. There is a Make in India initiative, which is aimed at promoting greater manufacturing capacities, and we are determined to make India a major global manufacturing hub. There will be greater production based in India, and not just for our own growth, but also because we believe that in times of global instability, that the world economy requires a more resilient and reliable set of supply chains. मोंटोरोव की यात्रा भारत रूस के व्यापारिक रिश्ते में फिर से बढ़ोतरी होने खासकर नई दिल्ली द्वारा रूस से रियायती दामों पर कच्चा तेल खरीदने की पृष्ठभूमि में हो रही है। वहीं बात करें रूस यूक्रेन युद्ध की तो भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की अब तक निंदा नहीं की है और कहा है कि संकट को कूटनीति और संवाद के जरिए ही हल किया जा सकता है। For more such updates.